राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी का जो उत्सव है ना, इस बार चाहे मैं निम्बिक संप्रदाय की बात करूँ, चाहे मैं गौड़ी संप्रदाय की बात करूँ, चाहे मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ, चाहे मैं बाकी भाई जी के मंदिर की बात करूँ, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूँ, चाहे मैं वृंदावन धाम की बात करूँ, हर जगह देव उठनी का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो एक ही तिथि पे बनाया जा रहा है, 12 तारीख को बनाया जा रहा है। 12 तारीख को बहुत धूमधाम से देवउठनी का उत्सव बनाया जा रहा है। तुलसी विवाह की बात, तुलसी विवाह कहीं 12 तारीख को बनाया जा रहा है, कहीं 13 तारीख को बनाया जा रहा है, कहीं 14 तारीख को बनाया जा रहा है, कहीं 15 तारीख को बनाया जा रहा है। वो अपने अपने कि जब भी आपके पास समय मिले और जब भी आपके परिवार की परंपरा हो तब आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी से अगर आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप देवउठनी एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम कब रहता है? तुलसी विवाह करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम देव उठनी एकादशी पर रहता है। लेकिन अगर आप तुलसी विवाह भी नहीं कर रहे, क्योंकि कोई ना कोई समस्या भी आ जाती है कभी कभी, ऐसे में होता है कि आप तुलसी विवाह ना करो, तो कम से कम तुलसी मैया की इस दिन 108 फेरी अवश्य ले, अर्थात तुलसी मैया की 108 परिक्रमा इस दिन आपको जरूर और जरूर करनी चाहिए। तुलसी मैया की परिक्रमा करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन बोला जाता है ना कि श्री हरि विष्णु जब अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वो अपनी प्राण प्रिय तुलसी माता के ही दर्शन करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी नौका विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी नौका विहार रखा, नाव में विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, सत्यधामा जी भगवान श्री कृष्ण जी को देख रही थी और सत्यधामा जी देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। सत्यधामा जी अपने मन ही मन में सोचते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और हर जब भी मेरा जिस भी रूप में जन्म हो मैं पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को ही मिलूं, भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा पति के रूप में मुझे ही प्राप्त हो, ऐसा सत्यधामा सोच ही रही थी। उससे सोचते वो वहां से चलने लगती हैं और चलते चलते जैसे ही वो रास्ते में चल रही होती हैं उनको नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी को प्रणाम करती हैं और नारद जी से बोलते हैं कि नारद मुनि, आपके चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम, मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात कन्हैया जी हर जन्म में मुझे पति रूप में ही प्राप्त करे, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। अब नारद जी बोलते हैं, देवी शायद आपको पता नहीं है कि जिस शायद आपको पता नहीं है अगले जन्म में जो चीज हमें चाहिए होती है वो चीज हमको इस जन्म में दान करनी होती है, तो आप ऐसा कीजिए भगवान श्री कृष्ण जी को मुझे दान कर दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी को आप मुझे दान कर दोगे तो अगले जन्म में वो आपको अवश्य और अवश्य मिलेंगी। सत्यधामा जी संकल्प लेती हैं और बोलते हैं कि जाओ भगवान श्री कृष्ण जी को मैंने आपको दान दिया। अब नारद मुनि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ के श्री कृष्ण जी को अपने लोक लेके जाने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की और भी अस्त पठरानियां आ जाती है, वो भगवान श्री कृष्ण जी को रोक लेती है। अब सत्यधामा जी बोलती है कि श्री नारद मुनि बोलते हैं कि भाई सत्यधामा ने तो ये मुझे दान कर दिए हैं, अब इनको तो मैं लेके जाऊंगा। सभी पठरानियां जब विनती करती है तो नारद मुनि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के भार बराबर आप मुझे सोना और चांदी उपहार में दे दीजिए। जब आप इतना सोना श्री कृष्ण जी के भार बराबर मुझे सोना चांदी दे दोगे तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी को यहीं पे छोड़ जाऊंगा। अब जितनी भी पटरानियां थी, तराजू लगाया जाता है, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाया जाता है, दूसरी तरफ जितनी भी पटरानियां थी और उनके पास जितनी भी सारे सोना चांदी थी उन्होंने सबके सब उस तराजू में रख देते हैं। लेकिन तराजू का जो पलड़ा होता है वो इतना भी नहीं हिलता। कोषागृह खोल दिया जाता है, जितने भी राजघराने में जितने भी कोषागृह में धन दौलत होती है वो सभी रख दी जाती है, जितना भी राज्य में सोना होता है सब रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी का जो पलड़ा होता है वो भारी होता है। अब तो सब बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, भैया आपने तो वचन दिया था तो आपका वचन तो पूरा करना चाहिए। इतने भी सभी की सभी पठरानियां रुक्मणी मैया के पास जाती हैं। रुक्मणी मैया ना तुलसी माता की इस समय पे पूजा अर्चना वंदना कर रही होती है। जैसे ही वो तुलसी मैया की पूजा करने के बाद खड़ी होती है, सभी पठरानियां अपने बारे में बताती है, रुक्मणी जी एक तुलसी का दल जो होता है, पत्ते को ना दल बोला जाता है, एक तुलसी का जो दल होता है वो लेके जाती है और केवल यहाँ पे बहुत सारा सोना रखा हुआ था। जिस तराजू में भगवान श्री कृष्ण जी थे उस पलड़े को छोड़ के जिस पलड़े में बहुत सारा सोना रखा हुआ था वहां पे तुलसी का एक दल रख देती है और जैसे ही तुलसी का दल रखती है वैसे ही वो तुलसी का जो पलड़ा होता है वो ऊपर पहुंच जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी नीचे आ जाते हैं।
नारद मुनि एक वो तुलसी का दल लेकर ही अपने धाम चले जाते हैं। तभी से भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय होता है। और जब वो 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वो उस तुलसी दल को देखते हैं। तुलसी जी के साथ पहले देव उठाए जाते हैं। देव उठाने के बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। 12 तारीख को देव उठनी एकादशी है। नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस दिन से कीजिए। देव उठाने के बाद शाम के समय आप तुलसी विवाह अवश्य और अवश्य कीजिए। वैसे तो तुलसी विवाह इसी दिन कराना बहुत सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर आप इस दिन तुलसी विवाह नहीं करा सकते हैं तो आप द्वादशी वाले दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन अगर आप देवउठनी एकादशी पे ही तुलसी विवाह करा रहे हैं तो तुलसी विवाह का जो शुभ समय होता है ना, जो गोधूलि वेला में कराया जाता है, और वो जो शुभ समय है वो है 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक का जो समय है, इस समय पर आप बड़े धूमधाम से तुलसी जी का विवाह कराइए। एक बात याद रखिए कि तुलसी जी का जैसे आप विवाह कराते हैं ना, जैसे आप एक कन्या का कन्यादान करते हैं वैसे ही आपको तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। जैसे कि एक अच्छी हरी भरी आपको तुलसी लेनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी की भी एक प्रतिमा लेनी चाहिए। आप चाहो तो लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी या भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी प्रतिमा के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। 2 पटले आपको लगाने चाहिए, गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि तुलसी विवाह आप धूमधाम से कैसे और किस विधि से बना सकते हैं। अगर आप लोग तुलसी विवाह ना कराना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह तुलसी जी की किशमिश के साथ या कोई भी टॉफी के साथ 108 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन तुलसी पे आप दीप दान अवश्य करें। ये जो तिथि होती है ना, ये तुलसी मैया की विशेष पूजा अर्चना वंदना के लिए है। आप तुलसी विवाह भी करा रहे हो तब भी तुलसी जी की सुबह सुबह 108 परिक्रमा कर सकते हो। इस तिथि पर तुलसी जी की जितनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना करोगे उतना ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही के साथ इस तिथि पर आप तुलसी का दीप दान अवश्य करें। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि तुलसी का दीप दान कैसे किया जाता है। इस तिथि पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, इस तिथि पर तुलसी का दीप दान करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति मिलेगी। तो देव उठनी एकादशी 12 नवम्बर को है और इसी दिन तुलसी विवाह कराना, अगर आप कराना चाहते हो तो कराइए। अगर आप मुझसे पूछोगे दीदी आप तुलसी विवाह कब कराओगे, तो मैं तुलसी विवाह पर्सनली 13 तारीख को कराऊंगी। मैं 12 तारीख तुलसी विवाह नहीं कराऊंगी, मैं 13 तारीख को तुलसी विवाह कराऊंगी। और तुलसी विवाह से संबंधित वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे भी जरूर डालूंगी। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि तुलसी विवाह का सही मुहूर्त क्या होता है, तुलसी विवाह कराने का सही प्रोसीजर क्या होता है, अगर मैं आप ये जानना चाहिए कि तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है वो मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है। या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो कि दीदी देवता कैसे उठाते हैं, देव उठाने की विधि क्या होती है, उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो श्रीधाम वृंदावन में जैसे देव उठाए जाते हैं मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी कि उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, कैसे देव उठाते हैं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, कमेंट्स जरूर किया करो। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आप इस नंबर पे अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस क्षेत्र में बच्चा जॉब करेगा। आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी कुंडली में शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, आपका लक्की नंबर लक्की कलर क्या है, आपके बच्चे को किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो सफल हो, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कृपया करके मुझे फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे महसूस कराता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और मैं और मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।